भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान छबड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने कुलदेवता की पूजा अर्चना कर अपनी स्वर्गीय माता अयोध्या देवी की मूर्ति का अनावरण किया। महासचिव विजयवर्गीय दिल्ली से करीबन 1.5 घंटे देरी से उड़ान भरी, जो कि 11 बजे कवाई अडानी के हेलीपैड पर उतरे और वहाँ से कार द्वारा 11:30 बजे छबड़ा निपाण्या मंदिर कुलदेवता मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने विधिवत अपने कुलदेवता की पूजा अर्चना कर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और करीबन 12:30 बजे उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय अयोध्या देवी की मूर्ति का अनावरण किया। महासचिव के साथ जहाँ पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी व अन्य और भी कई भाजपा के नेता व दर्जनों कार्यकर्ता साथ थे, तो वहीं महासचिव की सुरक्षा को लेकर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की गई थी। महासचिव विजयवर्गीय अपने परिवार के साथ निपाण्या पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सर, आप अभी जो वर्तमान पश्चिम बंगाल के आप चुनाव प्रभारी हो, और जहाँ की हम वहाँ की बात करें तो चुनाव के दौरान वहाँ हिंसा होती है और भाजपा कार्यकर्ताओं को हत्या हो जाती है, कैसा अपना फेस्ट रख पाओगे सर? देखिए, देश के अंदर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर राजनीति में हिंसा, और ये अभी से नहीं, 4 दशक से चली आ रही है। पहले CPM के राज में काफ़ी हिंसा थी, उसके बाद TMC में ये हिंसा और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भी अब इस हिंसा की राजनीति को पसंद नहीं करना चाहती, और इसलिए अब निश्चित रूप से वहाँ पर एक बदलाव होगा और जबरदस्त बदलाव होगा, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो तिहाई बहुमत से बनेगी। सर, किसानों के कृषि बिल को लेकर जहाँ कांग्रेस एक आंदोलन कर रही है, समर्थन कर रही है, बार बार उसको लेकर रही है, इस बारे में आप क्या कहें सर? देखिए, देश के कुछ प्रतिशत किसान ही इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। यदि हम किसी प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 10-15% किसान हैं, हरियाणा के 10-15% किसान हैं, पंजाब के जरूर काफ़ी बड़ी संख्या में किसान हैं, बाकी देश के किसानों का समर्थन इस कृषि बिल के साथ है, ऐसा मेरा मानना है। महासचिव के अडानी हेलीपैड पर पहुंचने पर जहाँ कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी अगवानी की गई, तो वहीं वह सीधे कार द्वारा निपाण्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता की मूर्ति का अनावरण किया। 12 के छबड़ा से ETU भारत के लिए महेश गोड की रिपोर्ट।